एक दिन अप्पू हाथी जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि अचानक वो एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। अरे इतना बड़ा गड्ढा, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? ये क्या हो गया? मेरी नजर इस गड्ढे में क्यों नहीं पड़ी? अरे कोई मुझे बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। तभी उसकी आवाज सुन वहाँ एक बंदर आया। बंदर भाई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं गलती से इस गड्ढे में गिर चुका हूँ, मुझे बचा लो प्लीज। अरे भाई, मैं इतना छोटा सा बंदर तुम्हें बाहर कैसे निकालूं? मगर तुम्हारी जान बचाना तो चाहता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं अपने सभी दोस्तों को बुलाकर लाता हूँ, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। ठीक है, पर जल्दी आना। अरे दोस्तों जल्दी चलो, बेचारा हाथी एक बड़े से गड्ढे में गिर चुका है। मगर हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? चलो हम उस गड्ढे में धीरे धीरे मिट्टी डालते हैं, कुछ ही देर में हमारा हाथी बाहर आ जाएगा। चलो चलो जल्दी करो। बंदर और उसके दोस्त जल्दी से हाथी के पास पहुँचे। तुम घबराओ नहीं हाथी, गड्ढे में मिट्टी डालते हैं, ये भर जाएगा और तुम बाहर निकल आओगे। मगर कैसे? तुम्हारे हाथ तो बहुत छोटे छोटे हैं। कोई बात नहीं, हम लगे रहेंगे काम में, घबराओ मत। चलो दोस्तों। सभी बंदर खूब जोरों शोरों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी गड्ढे में डालते रहे। इस पूरे काम में बहुत देर लग गई, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे मिट्टी भरती गई और हाथी ऊपर आ गया। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी जान बचा ली। तुम्हारे हाथ भी दर्द कर रहे होंगे, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम्हारा दिल से शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं हाथी भाई, आज से तुम हमारे दोस्त हो, हमें अपनी पीठ पर बिठाकर एक चक्कर तो लगा दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो चलो। और इस तरह बंदर और हाथी दोस्त चल पड़े जंगल की सैर पर। इस तरह की और मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।